एक बार दो गुंडे बीरू और जय एक छोटी बच्ची को किडनैप करके जंगल के रास्ते ले जा रहे होते हैं। अरे वाह, हाय, ये तो सेठ की इकलौती लड़की है बीरू, अपने को अच्छा पैसा मिल जाएगा इसके बदले। हाय सही कहा था भाई, बहुत दिन बाद इतना तगड़ा माल हाथ लगा है। लेकिन तभी एक बच्ची चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। हाय राम, बचाओ बचाओ। मेरे रहते बच्चों को तुम छू भी नहीं सकते। अरे अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार मार कर बांध देती है। अरे अरे जेम्स बॉन्ड की अम्मा, ये तो बताओ तुम हो कौन आए और हमें ऐसे कुत्तों की तरह क्यों मार रही हो? आए भला हमने आपका क्या बिगाड़ा है भाई, कौन हो तुम? आए मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए, मैं तुम्हारी भी करूंगी। तो सुनो, एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने पिता रामू के साथ रहती थी। उसके पिता रामू उसे बहुत प्यार करते थे। पिंकी की माँ सुषमा का बचपन में ही देहांत हो गया था। पिंकी को अपनी माँ की कमी अक्सर महसूस होती थी और वो रामू से दूसरी माँ लाने को कहती थी। पिताजी, आप दोबारा शादी कर लो ना, मेरी नई माँ आ जाएगी। नहीं नहीं बेटी, मैं और तुम दोनों अकेले ही ठीक हैं। तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। लेकिन पिंकी की लगातार जिद के कारण वो दोबारा शादी कर लेता है। पिंकी की नई माँ का नाम कामिनी होता है। पहले तो कामिनी पिंकी को खूब प्यार करती है, लेकिन कुछ समय बाद पिंकी पूरे दिन घूमती रहती है यहाँ वहाँ, कोई काम धाम नहीं है क्या? चल घर के काम में मेरी मदद कर। फिर रोज कामिनी घर के सारे काम पिंकी से कराती और उसे भरपेट खाना भी नहीं देती, जिसकी वजह से धीरे धीरे पिंकी कमजोर होने लगी। रामू इन सब बातों से अनजान होता है और एक दिन रामू पिंकी से बोलता है। पिंकी, क्या हुआ बेटा? जब से नई माँ आई है अपने पुराने बाप को भूल गई हो? तुम्हारी माँ ठीक से तो रखती है ना तुम्हें, तुम बहुत पतली होती जा रही हो बिटिया। नहीं नहीं पिताजी, माँ मुझे बहुत प्यार से रखती है, मुझे भरपेट खाना देती है, और मैं कहाँ पतली हूँ, आपने कई दिनों बाद देखा है ना, इसलिए आपको पतली लग रही हूँ। क्या चुगली हो रही है बाप बेटी में? वैसे किसी ने सही कहा है, जितना भी कर लो सौतेली माँ को लोग बुरा ही बोलते हैं। तुम भी ना क्या बोल रही हो, पिंकी तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी। हाँ, तुम भी ना चक्की बहुत हो। कुछ दिनों बाद कामिनी की बेटी पैदा होती है, जिसका नाम चुटकी रखते हैं। अपनी बेटी के आने के बाद कामिनी का व्यवहार पिंकी के लिए और भी बुरा हो जाता है। कुछ साल बाद, तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता क्या? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, पता है कितने महंगे कपड़े थे, तेरे भुक्कड़ बाप ने नहीं दिए। इस बार पिंकी से रहा नहीं जाता है और वो कामिनी से बोलती है। माँ, आप इतना भला बुरा क्यों बोलती हैं? और पिताजी का इस सब से क्या लेना देना? ऐसा सुनते ही कामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी की लात घूसों से पिटाई कर देती है। मुझसे जुबान लड़ाती है दुष्ट। कामिनी की मार से पिंकी बेहोश हो जाती है। उधर कामिनी भी उसे उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। एक दिन छुटकी खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। कामिनी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अरे रमेश, तुम, ये मेरी बेटी है, देखो ना इसको क्या हुआ, ये खेलते खेलते बेहोश हो गई है। डॉक्टर रमेश छुटकी को चेक करता है और बोलता है, मुझे लगता है इसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, और जल्दी ही इसकी किडनी नहीं बदली गई तो ये मर जाएगी। तुम जाओ और किडनी डोनर का बंदोबस्त करो। घर जाकर कामिनी किडनी डोनर के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर पास में काम कर रही पिंकी पर पड़ती है। अरे वाह, है तो सही मेरे पास डोनर, क्यों ना इसी की किडनी ले लूं? वैसे भी कौन रोकेगा मुझे, इसका बाप तो मेरी मुट्ठी में है और इसे तो मैं अपने झांसे में ले ही लूंगी।
कामिनी रात में रामू और पिंकी को डॉक्टर की सारी बात बोलती है। बात तो ठीक है कामिनी, लेकिन हम डोनर कहाँ से लाएंगे? तभी पिंकी बोलती है, माँ मैं छुटकी को अपनी एक किडनी दे दूंगी, आप चिंता ना करो, मेरी छोटी बहन है वो। पिंकी तुम चुप रहो, तुम कहाँ से किडनी दोगी? पिंकी तुम किडनी मत दो, छुटकी मरती है तो मरे, कोई बात नहीं। लेकिन पिंकी रामू की बात नहीं मानती और किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है। और ऑपरेशन वाले दिन कामिनी डॉक्टर से कहती है, रमेश ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, तुम इसकी दोनों किडनियां निकाल कर मार दो। मेरे रास्ते का कांटा निकल जाएगा। ठीक है कामिनी डार्लिंग, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मैं शुरू से मना कर रहा था कि ये ऑपरेशन ना करवाए, लेकिन पिंकी ने मेरी बात नहीं सुनी। भला हम दोनों अब क्या कर सकते हैं? जो भगवान ने इसकी किस्मत में लिखा था, मैं तो इसकी माँ हूँ, भला मैं और कोई उसका बुरा चाहूंगी? ऐसा कहकर वो दोनों पिंकी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद जब रामू काम पर गया होता है, तभी डॉक्टर रमेश कामिनी के घर आता है। कामिनी तुम्हारा नाम कामिनी नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए। तुम तो चालाकी में सबकी माँ हो माँ। रमेश डार्लिंग, पिंकी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, बस एक मौका और मिल जाए इस रामू के बच्चे को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, फिर तुम और मैं बस। तभी रामू वहां आ जाता है। मैंने सब सुन लिया है दुष्ट औरत, तुझे जरा सी भी दया नहीं आई उस बच्ची पर, मेरी बेटी की जान ले ली तुमने, मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। लेकिन जैसे ही रामू उन दोनों की तरफ बढ़ता है, डॉक्टर रामू को पकड़ लेता है और फिर दोनों उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। रामू डार्लिंग, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारना चाहती थी, लेकिन तुमने हमारे सारे राज जान लिए हैं, अब तुम्हें थोड़ा सा जल्दी मरना पड़ेगा। तभी डॉक्टर एक चाकू लेकर रामू पर वार करने जा रहा होता है कि तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और धुएं के हटते ही वहाँ पर एक चुड़ैल खड़ी होती है। दुष्टों, मेरे रहते तुम मेरे पिताजी को छू भी नहीं सकते। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं और तूने शैतान वाला काम किया, तुझे मरना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। फिर चुड़ैल कामिनी की तरफ बढ़ती है और तू माँ तो जैसी भी हो माँ होती है, मैंने तुझे अपनी सगी माँ से बढ़कर माना और तूने मेरे साथ ये सलूक किया। जा तू भी जा अपने आशिक के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल कामिनी को भी मार देती है और फिर रामू को आजाद कर देती है। पिंकी मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं पिताजी आप दुखी मत हो, शायद मेरी किस्मत में ये सब था, बस अब आप छुटकी का ध्यान रखना और उसके साथ वो सब मत होने देना जो मेरे साथ हुआ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। दुष्टों ये है मेरी कहानी और ये मेरी ही छोटी बहन है। चुड़ैल जी आपकी कहानी तो बहुत दुखी है, हमरे तो आंसू आ गए आंसू, हमका माफ कर दो, हम दोनों अभी जाकर इसको इसके पिताजी को वापस कर देंगे। हाँ वापस कर देंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि इस रास्ते में तो मैं खड़ी हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।